जब भी दोस्तों SBI के सबसे दमदार क्रेडिट कार्ड की बात आती है तो SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड पहले नंबर पर आता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप उसे अप्रूव करा सकते हैं। आपने यदि SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है और आपकी एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो रही है तो उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ज्यादातर दोस्तों देखा गया है कि चाहे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा भी है फिर भी है वो SBI की कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। क्या यह सही टाइम है अप्लाई करने के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बेनिफिट फीचर चार्जेज के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। अमेजोन पर जब भी कोई सेल आती है, जैसे फिलहाल है वो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, तो यहाँ पर है वो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट दिखा रहा है SBI क्रेडिट कार्ड पर। अब SBI का चाहे कोई सा ही क्रेडिट कार्ड हो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन यदि आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड ही लेना चाहिए। इसका कारण यह है, जब मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो चलिए जानते हैं कि SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट है। SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड को आप यूज करते हैं ऑनलाइन मर्चेंट में, यानी ऑनलाइन स्पेंड में यदि आप यूज करते हैं, चाहे तो अमेज़न से शॉपिंग करने में, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या किसी भी मर्चेंट में या ऑनलाइन शॉपिंग करने में यूज करते हैं तो 5% का आपको कैशबैक मिलता है। दूसरी बात, आप कोई भी ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस पर आपको 1% का कैशबैक है वो मिलता है। हसल फ्री आपको कैशबैक मिलता है, यानी कि जब आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर लेते हैं और आपका जब बिल जनरेट होता है उसके 2 दिन के भीतर भीतर ही आपके यहां पर क्रेडिट कार्ड के अंदर पैसे है वो भेज दिए जाते हैं, जो कैशबैक के पैसे हैं वो आ जाते हैं। आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी दोस्तों यहां पर मिलता है। रिन्यूअल फीस कितनी और कैसे माफ होगी बताता हूं मैं आपको। आपको ज्वाइनिंग फीस है वो 1000 रुपए देने पड़ती है, यानी कि 999 रुपए देने पड़ती है, और जो रिन्यूअल फीस है या एनुअल फीस है वो भी 999 रुपए ही है, लेकिन आप उसे माफ करा सकते हैं यदि आप 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड कर लेते हैं। 2 लाख रुपए से ज्यादा का यदि आप स्पेंड करते हैं तो आपको रिन्यूअल फीस जो 1000 रुपए है वो देनी नहीं पड़ती है, और यदि आपको बाय द वे देनी भी पड़ती है ना 1000 ये और 1000 ये तो भी आपके लिए ये कार्ड बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि कैशबैक में जो इनका बेनिफिट है ना वो काफी तकड़ा है। यानी कि आप ऑनलाइन कितना ही इस क्रेडिट कार्ड को यूज करें 5% का आपको कैशबैक मिलेगा, लेकिन एक लिमिटेशन इन्होंने लिख नहीं रखी है अपने टर्म एंड कंडीशन के अंदर, तो होगी लेकिन यहां हाईलाइट नहीं कर रखी है, वो मैं आपको बता देता हूं कि आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए की शॉपिंग ही कर सकते हैं इससे 5% कैशबैक प्राप्त करने के लिए। मैक्सिमम 1 लाख रुपए की शॉपिंग, दैट मींस कि आपको 5000 रुपए का आप मैक्सिमम है वो कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। 5000 से ज्यादा का आप कैशबैक एक बिलिंग सर्कल के अंदर प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ एक बिलिंग सर्कल की बात कर रहा हूं मैं। आप साल के अंदर तो 5000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप इतनी शॉपिंग तो नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी 5000 रुपए का आप 1 महीने के अंदर भी यदि फायदा कर पा रहे हैं तो आप साल के अंदर कितनी शॉपिंग करते होंगे, काफी अच्छा फायदा आप कर पाएंगे, ठीक है। और रिन्यूअल फीस तो आपकी लगेगी नहीं यदि आप 2 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं 1 साल के अंदर अंदर, और ज्वाइनिंग फीस 999 रुपए है। और हाँ, हर क्रेडिट कार्ड की जैसे टर्म एंड कंडीशन होती है वैसे इसकी भी टर्म एंड कंडीशन है कि EMI ट्रांजेक्शन पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। बिजली का बिल, पानी का बिल या गैस का बिल, यूटिलिटी बिल आप पेमेंट करते हैं तो कैशबैक नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस, फ्यूल रेंट वॉलेट, स्कूल एंड एजुकेशनल सर्विस, ज्वेलरी, रेलवे, इनके अंदर यदि आप स्पेंड करते हैं तो आपको वो 5% का कैशबैक है वो नहीं मिलेगा। सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन स्पेंड पर आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। यहां पर 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, लेकिन शर्त इतनी है कि कम से कम आपको 500 रुपए का आपको फ्यूल भरवाना पड़ेगा। 500 रुपए से लेकर आप 3000 रुपए तक का फ्यूल भरवाते हैं तो आपको यहां पर फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है 1% का, और मैक्सिमम है वो आप कितना 1 साइकिल के अंदर, 1 बिलिंग साइकिल के अंदर 100 रुपये का फ्यूल सरचार्ज वेवर ही बचा सकते हैं, ये 100 रुपये आप बचा सकते हैं, ठीक है। मेन 5% जो कैशबैक है वो इतना दमदार कैशबैक है वो किसी के अंदर नहीं मिलता। अप्रूव होना आपका जरूरी है, अप्रूव करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड है, आप ऑफलाइन है वो SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड को 24 मिलियन से ज़्यादा आउटलेट पर यूज कर सकते हैं, और इंडिया के अंदर बात करते हैं तो 3,25,000 से ज़्यादा आउटलेट पर आप इसे यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड ही आपको सबसे ज़्यादा फायदा क्यों दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इस समय मैकबुक को बाय करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप बाय करना चाहते हैं मान लेते हैं ऑनलाइन, और वहां पर है, आपको पता है कि अमेजोन वगैरह पर है वो SBI क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट आता ही रहता है। जैसे इस पर आप देख सकते हैं अप टू 4000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा SBI क्रेडिट कार्ड पर, इन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है, ठीक है।
4000 रुपये का मान लेते हैं कि हाँ हम कोई अप टू दिखा रहे हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि 4000 रुपये का डिस्काउंट इस प्रोडक्ट को बाय करने पर हमें मिलेगा, 4000 रुपये का डिस्काउंट ये हो गया। दूसरी बात है, आपको यहाँ पर जो कैशबैक मिलता है ना 5%, वो 5% कैशबैक है वो अलग से मिलेगा। ये तो आपको कार्ड पर डिस्काउंट मिल रहा है और वो 5% कैशबैक है वो आपको अलग से मिलेगा। तो 4000 हमने ये बचा लिए। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 60000 रुपये का प्रोडक्ट है, 60000 का हम 5% देखते हैं तो 3000 रुपये वो बचा लेंगे। तो इस प्रोडक्ट को बाय करने में हम 4+3 7000 रुपये की बचत कर लेंगे। तो इसलिए SBI का क्रेडिट कार्ड है जो कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड है वो सबसे बेस्ट माना गया है। चलिए इसको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं। तो अप्लाई करने के लिए आपको मैं ऑफिशियल लिंक दे रहा हूं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर चले जाना है। कोई भी जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके मोर के बटन पर आप क्लिक करेंगे और आपको ऊपर में यह लिंक मिल जाएगा। यहां पर लिखा होगा SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्लाई लिंक, मैंने करके लिखा है और इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही आप इस ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे जहां से आप SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हाईलाइट करके दिखा रहा है कि 5% कैशबैक ऑनलाइन स्पेंड पर और 1% कैशबैक ऑफलाइन स्पेंड पर आपको मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, अप्लाई करने के लिए जो पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए, साथ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ नंबर लिंक होना चाहिए। हम कंटिन्यू करते हैं और यहां पर हम 3 स्टेप के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। फर्स्ट पर्सनल डिटेल हमें फिल करनी है, प्रोफेशनल डिटेल हमें फिल करनी है और KYC करनी है, फिर हम सक्सेसफुली तुरंत ही इस कार्ड को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो पर्सनल डिटेल के सामने जो एरो वाला बटन है, इस बटन पर क्लिक करके हम सबसे पहले है वो पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल के अंदर है वो हमें सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डाल देना जैसा पैन कार्ड पर है, मिडिल नेम डाल देना है, मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, एंड लास्ट नेम आपको डाल देना है। उसके बाद में आप जो क्रेडिट कार्ड के साथ नंबर लिंक करना चाहते हैं वो नंबर डालिए, देन टर्म एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कीजिए। नीचे जो कंटिन्यू का बटन है उस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में जो मोबाइल नंबर वहां पर आपने इंटर किया है उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहां पर इंटर करके कंफर्म OTP के बटन पर क्लिक करना है। कंफर्म करने के बाद में आपको ऊपर में जो डिटेल दिखाई जाती है उसको आपको छोड़ देना है और आपको यहां पर सिटी को सिलेक्ट करना है। सिटी आप सर्च बटन आपको दिख जाता है, आप अपनी सिटी को यहां पर सर्च कीजिए, देन आप स्टिक के बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको दोस्तों यहां पर अपने पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। पैन कार्ड नंबर आप सही डालना, साथ में पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर एंटर कर देनी है, डे मंथ और ईयर, देन आपको कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको वो अपने माता की डिटेल देनी है, इनकी मदर नेम डाल देना है, आपको एक ईमेल आईडी डाल देनी है, रेफरल कोड है वो आपको डालना नहीं पड़ेगा, ऑप्शनल है, लिंक से आप अप्लाई करते हैं आपको यहां पर डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप फैमिली डिटेल दे रहे हैं, मदर नेम डालिए, यहां पर आप है वो सेफ इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, यानी कि ये सबसे पहले कह रहे हैं कि आप जो डिटेल डाल रहे हैं वो सेफ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। और आपको यहां पर मदर नेम ईमेल आईडी डालने के बाद में इस टर्म एंड कंडीशन के बटन पर है वो आपको टिक लगा देना है, देन आपको कंटिन्यू टू स्टेप 2 के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों हमें अपनी प्रोफेशनल डिटेल देनी है कि आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या रिटायर्ड पर्सन है। आप तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कतई रिकमेंड नहीं करता कि आप रिटायर्ड पर्सन सेलेक्ट करें, रिटायर्ड पर्सन के हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए। उसके लिए आपको सैलरीड पर्सन ही सेलेक्ट करना है, और यदि आप एक बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, देन कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर ऊपर दिखा देगा जो आप सेलेक्ट करते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको अपनी कंपनी का नाम डाल देना है यदि आप एक सैलरीड पर्सन है तो, और यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आप अपने दुकान वगैरह का या जो भी बिजनेस है उसका आप नाम डाल सकते हैं। तो हम कंपनी का नाम डाल देते हैं। उसके बाद में आपकी कंपनी के अंदर डेजिग्नेशन क्या है, यानी कि आप किस पोस्ट पर हैं, आप MD है, CEO है, मैनेजर है, भाई क्या है, जो भी हो आप, जो भी आपकी पोस्ट है ना, जिस भी पोस्ट पर आप काम करते हैं कंपनी के अंदर वो डालिए, देन आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने प्रोफेशनल डिटेल का पेज आ जाता है जिसके अंदर आपको अपने कंपनी का एड्रेस डालना है। कंपनी का एड्रेस दैट मीन्स कि आप जहां पर काम करते हैं वो एड्रेस डालना है। तो यहां पर आप पूरा एड्रेस डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, सिटी स्टेट सारे डालने के बाद में आप कंटिन्यू टू स्टेप 3 के बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर इंस्टेंट KYC वेरिफिकेशन करना पड़ेगा DigiLocker के थ्रू, तो यहां पर आप इसे पढ़ लीजिए, देन कंटिन्यू टू DigiLocker के बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड के नंबर यहां पर एंटर करके जो यहां पर एक कैप्चा दिखा रहा है उस कैप्चा को यहां पर इस बॉक्स के अंदर फिल करके नेक्स्ट कीजिए। तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक हो गया उस पर OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP डालकर कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने DigiLocker के 6 डिजिट के पिन भी वेरीफाई करने पड़ेंगे। अब पिन वेरीफाई आपको करना है और पिन आपको नहीं पता है तो आप यहां पर फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक कर सकते हैं और अपने DigiLocker के पिन को रीसेट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पता है तो आप यहां पर डालिए और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको एक चीज दिखा रहा है कि यू आर प्रोवाइडिंग योर कंसेंट टू शेयर योर DigiLocker डॉक्यूमेंट विथ SBI कार्ड, यानी कि SBI कार्ड को डॉक्यूमेंट दिखाने की जो DigiLocker में अपलोडेड है उनको आप परमिशन दे रहे हैं तो आप इसको अलाउ करना है, क्योंकि हमको पता है ये सेफ एंड सिक्योर है तो अलाउ कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना एड्रेस दिखा देता है
जो आपके आधार कार्ड से फेच होकर आ जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका एड्रेस अलग है तो आप माई एड्रेस है चेंज्ड के बटन पर क्लिक करके मैनुअली भी एड्रेस डाल सकते हैं, देन आप कंटिन्यू कन्फर्म के बटन पर क्लिक कीजिए यदि आप आधार कार्ड वाला एड्रेस ही रखना चाहते हैं तो, और चेंज करने के लिए नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखा देता है कि आपका कार्ड है वो अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, हाथों हाथ आपको दिखा देता है। तो हमारा कार्ड है वो अप्रूव हुआ है और यहाँ पर क्रेडिट लिमिट है जितनी आपको मिलती है वो दिखा देता है। मेनली यहाँ पर है वो अब के टाइम में आप अप्लाई करते हैं, यानी जो सेल का टाइम चल रहा है उसमें आप अप्लाई करते हैं तो आपके एप्लीकेशन के चांस बहुत ज़्यादा है कि आप अप्रूव हो जाएगा आपका कार्ड, लेकिन आपको लिमिट तो है वो कम ही मिलेगी, आपको 50,000-40,000 इस तरह से लिमिट मिल रही है। क्योंकि आपको पता है कि ये क्रेडिट कार्ड है वो 250 कैशबैक दे रहा है, तो ये एक आपको पता है कि लॉस मेकिंग प्रोडक्ट बन गया था एसबीआई के लिए। तो यहाँ पर ये लिमिट है वो बहुत कम दे रहा है, लेकिन आपके टाइम में अप्रूव हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रमोट इसको किया जा रहा है। और यहाँ पर दिखा रहा है कि एनुअल फीस है आपको 999 प्लस टैक्स लगेगी, रिन्यूअल फीस है वो 999 प्लस टैक्स लगेगी। अब एक चीज़ आपको ध्यान में जरूर रखना है कि एक महीना जब आप इसे यूज़ कर लेंगे ना क्रेडिट कार्ड को, तभी ज्वाइनिंग फीस है उसका वो आपकी कटेगी, क्रेडिट कार्ड से ही कटेगी, उस ज्वाइनिंग फीस को है वो आपको बिल पे करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो रिन्यूअल फीस है ना वो एक साल के बाद ही आपकी लगने वाली है, इस साल का कोई आपको रिन्यूअल फीस नहीं देना है। एक साल के अंदर ही यदि आप 2 लाख रुपये से अधिक का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं ना तो फिर आपको ये यहाँ पर रिन्यूअल फीस भी नहीं देनी है। तो ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस को लेकर आपका कन्फ्यूजन हो सारा दूर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हाईलाइट चीज़ें दिखा रहा है, अब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में आपको है ना बैंक वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। हमने पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल तो है वो डाल दी है, अब हमें अपने बैंक को वेरीफाई कराना पड़ेगा। बैंक को वेरीफाई कैसे होगा, हम आपसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे अकाउंट के अंदर 1 रुपया क्रेडिट किया जाएगा और उसी 1 रुपये को हमें डेबिट करवाना पड़ेगा, यानी कि 1 रुपये को हमें पेमेंट करना पड़ेगा वापस। तो आपने नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ पर स्टार्ट विथ पार्ट 1 पर क्लिक कीजिए और 1 रुपये को अपने अकाउंट के अंदर प्राप्त कीजिए और वापस पिक पे करना पड़ेगा 1 रुपये, तभी आपकी बैंकिंग डिटेल है वो वेरीफाई होगी। यहाँ पर स्टार्ट विथ पार्ट 1 पर क्लिक करते हैं। बैंक के अंदर जो आपका नाम है वो नाम डालिए, साथ के अंदर है वो यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल दीजिए, अकाउंट नंबर को आपको कन्फर्म कर देना है, री एंटर कर देना है, IFSC कोड डाल देना है अपने बैंक के, देन आपको कंटिन्यू टू पार्ट 2 के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। सक्सेसफुली है वो 1 रुपया आपके क्रेडिट हो जाएगा बैंक के अंदर, ठीक है। पार्ट 1 इज कंप्लीट ऑप्शन आ जाएगा, अभी 1 रुपये को हमें वापस भी पे करना है तो कंटिन्यू टू पे के बटन पर क्लिक करेंगे, देन हम नेट बैंकिंग या UPI दोनों में से किसी से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर डेबिट कार्ड वगैरह का ऑप्शन नहीं है तो आप अकाउंट डिटेल डालें तो उससे UPI या तो UPI चलता होना चाहिए या नेट बैंकिंग है वो उसमें ऑन होना चाहिए, दोनों में से एक को ऑन आपको करना है। चलिए हम UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। UPI आपको ID डाल देनी है, किसी भी ऐप की डाल सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम पे या अमेजोन पे, किसी के आप डालिए, ठीक है। देन आप UPI ID को वेरीफाई करने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप फ़ोनपे की डालते हैं तो फ़ोनपे के अंदर है वो इस तरह से मैसेज आ जाता है, रिक्वेस्ट आ जाती है कि 1 रुपया आपको SBI कार्ड को पे करना है, 1 रुपया पे करना है, कोई ज़्यादा बड़ा पेमेंट आपको नहीं करना है, जो 1 रुपया आपको प्राप्त हुआ है वही आपको पे करना है, बैंकिंग डिटेल वेरीफाई करने के लिए ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर पे के बटन पर क्लिक करेंगे, देन आप सक्सेसफुली UPI पिन डालने के बाद में पेमेंट कर पाएंगे, देन आप रिडायरेक्ट कर जाएंगे वापस वेबसाइट पर और पेमेंट सक्सेसफुल का आपको मैसेज दिख जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर KYC वेरिफिकेशन दिख जाएगा आपको, देन आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भी आ जाएगा, आपको अपना कार्ड दिख जाता है। एक चीज़ आप देखिए कि यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन राइट अवे बाय एक्टिवेटिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजेज योर कार्ड, यानी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को यूज आप ऑन कर देंगे तो आप इसे ऑनलाइन यूज़ कर पाएंगे तुरंत ही। फिजिकल क्रेडिट कार्ड है वो आपके एड्रेस पर, जो कम्युनिकेशन एड्रेस आपने डाला है तो वहाँ पर है वो 5 से 7 दिन के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। अब इस कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके CVV भी देख सकते हैं, सारी डिटेल आपको अपने कार्ड की यहाँ पर दिख जाती है। तो अब इसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है, उसको ऑन करने के लिए एक्टिवेट कार्ड यूजर्स के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ऑनलाइन डोमेस्टिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इसको ऑन कर देंगे और इसको भी हम ऑन कर देंगे, देन हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा कार्ड है वो रेडी हो गया है ऑनलाइन यूज़ करने के लिए, ठीक है। हम इसे ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, 5% का कैशबैक भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसे एक्सेस करने के बारे में लास्ट के अंदर जानकारी दी गई है, यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन फिनिश होती है तुरंत ही हमारा कार्ड एक्टिवेट हो गया, 5 से 7 दिन के अंदर है वो हमारे बाय पोस्ट घर पर भी सेंड कर दिया जाएगा कार्ड। यहाँ पर ये बोल रहा है कि SBI कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इसे यूज कीजिए और अपने कार्ड को यहाँ से मैनेज कीजिए। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप SBI की कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसे एक्टिवेट कर सकते हैं और क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिए हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब डेफिनेटली करें, इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।